आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज। खबर के अंदर का सच, हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। अगस्त अंतिम में तहसील के वैनगंगा नदी को आई बाढ़ का पानी खेत परिसर में जमा होने से फसल का नुकसान होने के साथ ही कृषि बिजली पंप का बिजली पोल गिर गया। हालांकि 15 दिन बीतने के बावजूद भी मामले में बिजली कंपनी ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है, जिससे 15 दिनों से कृषि पंप की बिजली सेवा खंडित होने की जानकारी है। घटना लाखांदूर तहसील के डांबे विरली में सामने आई। कृषि पंप धारक किसानों की ओर से तीव्र रोष व्यक्त किया जा रहा है। बाढ़ के कारण विरली बिजली मंडल के तहत डांबे विरली गांव में कृषि बिजली पंप के कुछ बिजली पोल गिर गए थे। स्थिति में बिजली कंपनी ने संबंधित कृषि बिजली पंप की बिजली सेवा को खंडित किया था। हालांकि बाढ़ जाने के बाद 15 दिनों से अधिक का समय बीतने के बावजूद भी बिजली मंडल की ओर से बिजली पोल को फिर से खड़ा करने की कोई भी कार्रवाई नहीं करने से बिजली पंप धारकों में तीव्र रोष है। सरकार ने शीघ्र दखल लेकर कंपनी की ओर से शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दे, ऐसी मांग कृषि पंप धारक किसानों ने की है। दिस न्यूज प्रोड्यूस्ड बाय जेड इंटरप्राइजेस। अब भंडारा शहर में भी उपलब्ध है MI के अलग अलग प्रोडक्ट्स, तो बिल्कुल भी देरी ना करें, जाइए राजीव गांधी चौक के जेड इंटरप्राइजेस में और खरीदे अपने मनपसंद MI प्रोडक्ट्स। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जुबैर अहमद 9284466878 पर। BS क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए यूट्यूब, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और गूगल प्ले स्टोर से bscrimeindianews.com के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।